प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली 5 अक्टूबर को प्रदेश के बिलासपुर जिले में संभावित है, जहां मीडिया कवरेज के लिए आने वाले पत्रकारों को एसपी बिलासपुर से अपना चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापित कराना जरूरी होगा, जिसका विरोध शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जताया है, जहां पत्रकार वार्ता में सौरभ चौहान बीसीसी के प्रवक्ता भी मौजूद रहे। नरेश चौहान ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, वहीं लोकतंत्र में इस तरह के फरमान सरकार द्वारा जारी करना तानाशाही को दर्शाता है। वहीं नरेश चौहान ने आगामी विधानसभा चुनावों में प्री पोल सर्वे की प्रामाणिकता को तब तक सही नहीं माना जब तक परिणाम सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जारी प्री पोल सर्वे की प्रामाणिकता में हमेशा संदेह सामने रहा है, जहां परिणाम हमेशा दूसरे रूप में ही सामने आए हैं। आज एक विषय हमारे सामने आया, मुझे कल शाम को भी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज मिले और आज सुबह भी कुछ लोगों ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कल का हिमाचल प्रदेश का है और उसको लेके सरकार ने वहां कैसे लोग एंटर करेंगे उस प्रोग्राम में और पब्लिक मीटिंग में, और लोकतंत्र का चौथा सितंभ मीडिया निश्चित तौर पे वहां होगा, होना भी चाहिए, और उसके लिए किस प्रकार का मैसेज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा और डीपीआर द्वारा भेजा गया जो मुझे भी मिला, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है कि किस प्रकार आप लोग वहां पार्टिसिपेट करेंगे। यह उसमें दर्शाता है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले अपना पास बनाना है और एसपी बिलासपुर से करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। ये कंडीशन किसके लिए? मीडिया के बंधुओं के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए जाएंगे, उनके लिए ही ये भाजपा की सरकार का फरमान है। हमने ऐसा आज तक देश के अंदर कहीं नहीं सुना कि जो देश का लोकतंत्र का चौथा सितंभ है उनको कवरेज करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग सब लोग एसपी के पास जाएंगे और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। ये बहुत शर्मनाक करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और उम्मीद करती है कि आप लोग भी इस आवाज को उठाएंगे। इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता, ये अशोभनीय है। तो ये हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा व्यवहार, ऐसा एरोगेंस किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए। हम सब लोग लोकतंत्र में रहते हैं। पिछले 2-3 दिन पहले एक सर्वे आया, हिमाचल प्रदेश चुनाव में जा रहा है, बहुत नजदीक है, नोटिफिकेशन 12-13 अक्टूबर को कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के दौरे खत्म होंगे, मुझे लगता है उसके बाद किसी भी समय चुनाव की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश की हो सकती है और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं और सभी लोग तैयार हैं, और कुछ लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, सर्वे के जरिए लोग माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, और उन सर्वे की कितनी ऑथेंटिसिटी रहती है वो बाद की बातें हैं। प्री पोल सर्वे होते हैं और जो भी इतिहास रहा है सर्वों का उसके ऊपर कभी ज़्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा है, एक्यूरेसी इतनी नहीं रही है हिंदुस्तान के अंदर जब भी सर्वे हुए हैं। तो सर्वे में हम सीधे तौर पर हमने उसको नकारा था कि उस सर्वे में जो चीज़ दर्शाई जा रही है उस तरह का माहौल ना हिमाचल प्रदेश में है। मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूँ कि वो दिल्ली के जो सर्वे आए उसमें जिस प्रकार का जो उन्होंने परसेंटेज ऑफ वोट दिखाया या सीटों का जो शेयर दिखाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी नकारा और आज मैं उस बात को नकारता हूँ, और उसका मैं आपको बताऊँगा भी क्या कारण है नकारने के। बहुत सारे कारण हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 45% जो वोटर है वो प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या में अगर वो 45% वोटर का माइंड है कि इस सरकार को बदलना है, तो उसके बाद वो जब वो सीट्स पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं दर्शा रहे, और उसके बाद वो कहते हैं कि 45% लोग पूरी तरह से नाराज है भाजपा की सरकार से,
और 33% लोग नाराज है पर वो बदलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि टोटल नाराज लोग कितने हैं इस सरकार से, जो तकरीबन 78% है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है, किसके, उन्हीं के वोटों में जो दिल्ली के से सर्वे है। मैं उसी की बात पे अभी आ रहा हूं। मैं ये चीज दर्शाना चाह रहा हूं कि 78% लोग उनके हिसाब से सरकार के खिलाफ है, सरकार से नाराज है। लेकिन अंत में तोड़ मरोड़ के उन्होंने जो भी उनको काम सौंपा गया होगा या उनका जो लक्ष्य था उन्होंने उसको किसी तरह सरकार बनाने के लिए नंबर्स में पूरा किया खींच तान के। तो जो वास्तविकता है उसमें कंट्रडिक्शन है कि अगर 45% लोग हिमाचल प्रदेश के सरकार को बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये बहुत बड़ा परसेंटेज है और कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये मैं दिल्ली वालों के सर्वे आपको दिखा रहा हूं कि वो बताते हैं कि 45% और 33% 78% लोग जो है नाराज है इस सरकार से। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीटें जो है 55 भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है। इतनी नाराजगी जो है लोगों के बीच जो है इस सरकार के खिलाफ है। तो ये बात मैं दिल्ली वाले सर्वे की बात कर रहा हूँ। लाइव टीवी में एक सर्वे करवा, ये लाइव ऑनलाइन सर्वे है जिसमें लोग अपना वोट डाल के सर्वे कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं और हिमाचल के लोगों के बीच करा रहे हैं। इन्होंने भी एक अच्छा सैंपल लिया है और अभी चालू है उनका सर्वे। तो लाइव टाइम का जो सर्वे है जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हिमाचल प्रदेश के, वो कहता है कि अभी जो है 28,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें, ऑनलाइन जो सर्वे चल रहे हैं उनके, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी जनसंख्या को है 55% जो अभी तक उनके पास आए सैंपल्स, उसमें 55% लोगों का मत है कि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। और अगर इस परसेंटेज को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बनेगा इसके बाद जो कन्वर्शन होगा सीट्स में। 55% का मतलब है बहुत बड़ा अंतर। तो और भाजपा के लिए वो कहते हैं कि 41% लोग भाजपा के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 14% का जो अंतर है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है और इसके जरिए जो सीटों में जो अंतर जाएगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसलिए आपके जरिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि एक जो दिल्ली का सर्वे है इनकी क्या मंशा है। सर्वे करा के मैनिपुलेशन होती है लोगों को गुमराह करने का, मतदाताओं को और प्रदेश की जनता को, वो प्रयास एक पूरा किया जाता है। लेकिन ये चीज रोकना हमारे बस में नहीं है, ये चीज पार्ट एंड पार्सल है, स्ट्रेटेजी बन चुकी है भाजपा की और इनके अपने मित्रों के जरिए कि एक प्रदेश के अंदर माहौल बना के लोगों को गुमराह करने का।